इज़ द चिल्ड्रेन डिप्रेशन रीडिंग स्केल रिवाइज एंड नंबर टू द रिवाइज चाइल्ड एनजाइटी एंड डिप्रेशन स्केरेंट बो एंड ठीक है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास पहला स्केल है दैट इज चिल्ड्रेन डिप्रेशन रीडिंग स्केल उसकी जो प्रोफाइल हम लेंगे बच्चे से या जो उसका हम क्वेश्चन एयर उसके ऊपर एडमिनिस्टर करेंगे उसके अंदर डिफरेंट डोम हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं सो हेवी विल सी के जो इम्पेयर इम्पेर्ड स्कूल वर्क है उसके ऊपर कुछ आइटम्स हैं ठीक है जिसको बच्चे ने पढ़ना है और उसको फिर उसने रेट uh, करना है ठीक है उसके बाद उसके अंदर आप देखें कि डिफ़िकल्टी हैविंग फ़न का एक डोमेन है जिसको उसने पढ़ना है और फिर उसने उसको रेट uh, करना है इसी तरह एक्सेसिफिटी का इसी तरह एपिटाइट डिस्टर्बेंस का अगर हम आगे देखें तो हमें फिजिकल कंप्लेंट्स मिलेंगी हमें सुसाइडल आइडिएशन मिलेगी हमें एक्सेसिव वीपिंग मिलेगी और इसी तरह अगर हम इसे कंटिन्यू करते जाएं तो डिप्रेस फेशियल एफेक्ट मिलेगा हाइपोएक्टिविटी मिलेगी लिसलस स्पीच मिलेगी सो ये जब हमारे पास ये जो सारे डोमेन्स हैं उसमें हम बच्चे से रेटिंग लेंगे और उसके बाद उसका जब हम स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें इन्फॉर्म करेगा कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल का एग्जिस्ट कर रहा है इसी तरह आ, अगर हम देखें चाइल्ड एनजाइटी एंड डिप्रेशन स्केल पेरेंट वर्जन है तो इसमें डेफिनेटली हम जो भी आइटम्स पूछेंगे वो पेरेंट्स से पूछेंगे और पेरेंट्स से पूछने का मकसद ये होता है क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादा टाइम जो है वो बच्चे के साथ गुजारते हैं वो उसे ऑब्जर्व करते हैं अब आ, पेरेंट है अगर वो किसी बच्चे का पेरेंट नहीं है और वो अपने केयर गिवर के साथ रह रहा है तो डेफ़िनेटली आप केयर गिवर से पूछोगे तो आ, अब इसके अंदर आइटम्स जो हैं वो किस तरह के हैं माय चाइल्ड वरीज़ अबाउट थिंग और उसने कहाँ पे रेट करना है नेवर सम टाइम ऑफ़न एंड ऑलवेज़ पे इसी तरह माई चाइल्ड फील सैड और एम्प्टी तो आपने कहाँ पे जहाँ पे भी वो फील करेगा उसने उसको वहाँ पर रेट करना है फिर माई चाइल्ड हैज़ ट्रबल स्लीपिंग अगर उसको ट्रबल स्लीपिंग नहीं है तो वो जीरो के ऊपर कर देगा माई चाइल्ड हैज़ प्रॉब्लम विद हिज एपीटाइट अगर उसको है तो वो ऑलवेज पे कर देगा इसी तरह आप आगे आइटम्स देखते जाओ जैसे माई चाइल्ड इज टाइड अलॉट अगर ऑफ है तो आप उसको ऑफ पे इसको कर देंगे सर्कल माई चाइल्ड वरीज अबाउट वट इज़ गोइंग टू हैपन अगर इस तरह है तो आप उसको थ्री uh, के ऊपर कर दोगे माई चाइल्ड फील वर्थलेस तो जिधर भी वो फील करेगा आप उसको वहाँ पर रेट uh, कर दोगे तो मेनली uh, ये जो स्केल है ये डिप्रेशन के साथ साथ एन्जाइटी के बारे में या फोबियाज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है इसमें ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि क्लाइंट को होती हैं इंटरनलाइज प्रॉब्लम जो हैं उसके बारे में हमारे पास एक कंपोजिट स्कोर भी आ जाता है इसके साथ साथ जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से भी हमारे पास रेटिंग जो है वो आ जाती है और ये हमें हेल्प करती है आ, इस चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंट कर कॉन्फिडेंट भी करती है कि आइदर वी विल गो फॉर टू वर्ड्स द डायग्नोसिस ऑफ परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और नॉट Thank you.